नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एवं होस्ट अंजलि। स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ क्यू में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बेहतरीन उपाय और ढेर सारे घरेलू नुस्खे। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मुल्तानी मिट्टी के नुकसान के बारे में, डिसएडवांटेजेस ऑफ मुल्तानी मिट्टी। गलत तरीके से लगाएंगी मुल्तानी मिट्टी तो स्किन को होंगे ये नुकसान। मुल्तानी मिट्टी को स्किन के लिए बेहद गुणकारी माना जाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस मिट्टी की संरचना में कैल्शियम बेंटोनाइट और मैग्नीशियम क्लोराइड शामिल हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि प्राचीन काल से महिलाएं इसका उपयोग बालों और स्किन के लाभ के लिए करती आ रही हैं। महिलाएं इसे अक्सर स्किन से जुड़ी परेशानी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि इससे कई लोगों को नुकसान भी पहुंच सकता है। गुणकारी और सेफ होने के बावजूद कई बार मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल आपकी स्किन को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। खास तौर पर अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो स्किन की दूसरी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए अगर आप भी इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करती हैं तो इससे जुड़े नुकसान भी जान लें। मुल्तानी मिट्टी के नुकसान। ड्राई स्किन। मुल्तानी मिट्टी उन लोगों के लिए बेस्ट होती है जिनकी त्वचा चिपचिपी और ऑयली होती है, लेकिन अगर आपकी त्वचा ड्राई है तो मुल्तानी मिट्टी स्किन को और ड्राई कर सकती है, जिससे स्किन फट भी सकती है और उस पर जलन भी हो सकती है। स्किन पर जलन। कई लोगों को मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करती। इससे बना फेस पैक लगाते ही स्किन पर जलन मचने लगती है। अगर आपके भी जलन होती है तो फौरन पानी से मुंह धो लें और ठंडा एलोवेरा जेल लगा लें। नाजुक स्किन को नुकसान। जिन लोगों की स्किन नाजुक होती है तो उन्हें कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हें मुल्तानी मिट्टी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से उनके चेहरे पर दाने निकल सकते हैं। स्किन में खिंचाव। इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि इसका उपयोग किस मौसम में किया जा रहा है। जैसे ठंडे मौसम में मुल्तानी मिट्टी नुकसान कर सकती है। इससे स्किन बहुत अधिक ड्राई हो सकती है, स्किन में खिंचाव आ जाता है और स्किन समय से पहले बूढ़ी दिखने लगती है। इसलिए अगर आप ठंड में मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा रही हैं तो इसमें शहद या बादाम का तेल जैसे नेचुरल मॉइस्चराइजर जरूर मिला लें। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी बेहतरीन और उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। किसी शारीरिक समस्या यानी फिजिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में जानना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।